अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे रिगार्डिंग माय प्रोफेशन के डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे अगर काम करना चाहें, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहें तो इसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बना लूं जिसमें मैं सारा कुछ समराइज कर लूं। आप पाकिस्तान में एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट काम करना चाह रहे हैं या इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है और कैसी स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ेंगी ड्यूरिंग योर जर्नी, और अगर करियर बनाना है तो किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है। तमाम जो क्वेश्चंस मुझसे किए गए थे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगी हूँ, आंसर करने लगी हूँ। तो या विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ऑब्वियसली इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एफएससी करनी होती है। एफएससी के बाद आप मेडिकल के डिफरेंट प्रोफेशंस में जा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन एक मेडिकल का प्रोफेशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। जब मैंने एडमिशन लिया था तब ये 5 इयर्स की डिग्री थी, बट नाउ इट्स 4 इयर्स डिग्री। तो यू कैन डू दिस बैचलर्स और उसके बाद फिर आप एमफिल एमएस करते हैं। और अगर आपने अब्रॉड काम करना है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट एग्जाम देना होता है, वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। अब रही बात इस प्रोफेशन के स्कोप की, तो डेफिनेटली स्कोप किसी चीज का तभी बनता है जब उसके क्लाइंट्स उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी डिमांड नहीं है बिकॉज अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जो न्यू जनरेशन आ रही है वो डेफिनेटली अवेयरनेस के साथ ही आ रही है, बट ओल्ड जनरेशन अभी भी वहीं पे है जहाँ पे वो पहले थे। मोस्टली मैं सबको नहीं इक्वल कर रही हूँ, बट पहले के जो लोग हैं वो अभी भी अपनी ही बातों पे कायम है। और कुछ लोग तो न्यू जनरेशन को भी रोकते हैं कि इन चीजों पे पैसे वेस्ट मत करो। तो जाहिर सी बात है उस तरह का स्कोप अभी पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुआ है। और जिस टाइम पे मैंने डिग्री ज्वाइन की थी तब बोला जाता था कि 5 साल बाद इसका बहुत अच्छा स्कोप होगा, बट 5 साल बाद भी उस लेवल पे स्कोप नहीं गया, नॉर्मल आया है, ठीक है। थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, इतना लोग जाते थे डाइटिशियन के पास, बट अब काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है एज कम्पेयर टू उस टाइम के। तो ग्रेजुअल इसको टाइम लगेगा, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगना है पाकिस्तान में इसका स्कोप आने के लिए, इतना स्कोप आने में कि हर घर से कोई ना कोई डाइटिशियन के पास जाए, हर घर की जरूरत हो, ऐसा अभी भी नहीं हुआ है। देयर आर स्टिल मैनी मैनी पीपल जो कि इस चीज से अवेयर नहीं है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वेल एंड गुड। वो अच्छी डाइट को, अच्छा लाइफस्टाइल को अडोप्ट करने में अपना पहला स्टेप ले रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोग रेजिस्टेंट हैं और वो अपनी ही खुद से बनाई हुई डाइटिंग पे, अपने खुद से बनाए हुए रूल्स पे चलना पसंद करते हैं, या वो फ्री चीजें चाह रहे होते हैं, पे करना नहीं पसंद कर रहे होते हैं। ये चीज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, दैट यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस विद क्लाइंट्स जो के ऐसे हैं जो के पे नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन वो डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के सप्लीमेंट्स की तरफ भागना चाह रहे होते हैं, डाइट को इम्प्रूव नहीं करना बट सप्लीमेंट्स की तरफ भागना है, ये चीज भी बहुत कॉमन है। प्रोग्रेस इसकी काफी स्लो जा रही है, स्पीडली नहीं है। तो जिसने भी इस फील्ड में आना है इस चीज को सोच समझ कर आना है कि यहाँ पे काफी पेशेंस सबर चाहिए होगा, एंड देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। दूसरी बात करूँ मैं जॉब की, क्या जॉब अगर कर ले इंसान, लोगों में नहीं अवेयरनेस है कोई बात नहीं, बट अगर जॉब्स हैं तो एटलीस्ट आप अपना सर्कल तो चला सकते हो ना जॉब करके। तो जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान में अभी इस फील्ड की जॉब्स भी इनफ नहीं है, कम जॉब्स हैं। स्कोप ना होने की एक रीजन ये भी है कि जॉब्स ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लाइक वैकेंसीज ही नहीं होती हैं, सालों साल कोई जॉब नहीं आती है, 10 महीने बाद एक जॉब आ जाएगी और उसके कैंडिडेट्स हजारों में होते हैं, हजार भी नहीं कह रही, हजारों में होते हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और सीट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इन माय ओपिनियन अगर आपने जॉब के लिहाज से इस फील्ड को ज्वाइन करना है तो प्लीज डोंट। इस फील्ड को पाकिस्तान में रहते हुए आप जॉब के थ्रू अवेल नहीं कर सकते हैं, बट यस अगर आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है इस फील्ड में और कुछ नया लेकर आना है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट
प्राइवेट होगा, वो आपका अपना होगा। मैं तो हमेशा से ही जॉब की तरफ ध्यान नहीं देती थी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिल्ड माई ऑन नेम, तो इसलिए जॉब की तरफ मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन दिस फील्ड और अपना स्कोप बनाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया लेकर आ सकते हैं जिससे यू कैन स्टैंड आउट, ग्रो योर बिजनेस एंड मेक सम गुड मनी। जॉब के लिहाज से पाकिस्तान में इस फील्ड को चूज करना इज अ मिस्टेक। देन इट्स बेटर कि आप किसी और फील्ड को चूज करें जिसकी डिमांड हो, जॉब ज्यादा हो। प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू बिल्ड योर नेम, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू शोकेस योर स्किल्स एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। यू नीड एक्सपीरियंस, उसके लिए यू हैव टू डू इंटर्नशिप, यू हैव टू नो हाउ टू डील क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को कैसे डीलिंग करना है, उनको किस तरह से सेटिस्फाई करना है। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जब आप प्रैक्टिस में आते हो, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखनी होती हैं, तो वो सब चीजें आप लेकर चलोगे तो आप प्राइवेटली भी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। अगर आपका ये फोकस है कि आप यहाँ से बैचलर्स कर लो एंड देन फर्दर स्टडीज और फर्दर जॉब जो है वो आप बाहर जाके करो, देन बेस्ट है, दिस फील्ड इज अमेजिंग अगर आपने बाहर काम करना है तो। यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने डाइटिशियन को सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस वेट गेन से लिंक किया हुआ है, तीसरी चीज के लिए वो डाइटिशियन को पूछना नहीं पसंद करते हैं। बाहर की कंट्रीज में एक आम इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है, ना उसने वेट लूज करवाना है, ना उसने गेन करना है, ना उसको कोई डिजीज है, वो स्टिल डाइटिशियन से अपना मेंटेनेंस प्लान बनवाएगा, अपने मील सेट करवाएगा अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी नीड्स ताकि वो नरिश कर सके और एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। मतलब एक आम इंसान जो कि बिल्कुल नॉर्मल है वो भी डाइटिशियन के पास जाएगा, बट पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जिसको वजन गिराना है या वजन बढ़ाना है वो आते हैं, अदरवाइज डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा कम लोग आते हैं। मेन वेट लूज का ही कंसर्न होता है और उसी को डाइटिशियन से लिंक किया जाता है, जबकि डाइटिशियन की फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट है और आप बहुत सारी चीजों में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैलेंज भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा कि आपने लोगों को अवेयर करना है कि उनको डाइटिशियन की क्यों जरूरत है, क्यों उनको एक हेल्दी वे में वेट लॉस या वेट गेन करवाना है, खुद से करवाएंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स है। इस चीज की अवेयरनेस एजुकेशन देना बहुत जरूरी है और जब तक हम खुद इनको अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोना स्टेप आउट। अपनी सर्विसेज देने के साथ साथ हमें उनको एजुकेट भी करना होता है अपनी फील्ड में। इन द एंड समराइज मैं यही करूंगी कि अगर जॉब के लिहाज से देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड को ज्वाइन ना करें। अगर आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, अपना नाम खुद बनाना है, खुद कुछ इनिशिएट करना है इस फील्ड में, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और बाहर सेटल होना है, अब्रॉड सेटल होना है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोफेशन। और वहाँ की डाइटिशियंस बहुत पैसे कमा रही हैं, बट ऑफकोर्स वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू पास देयर टेस्ट, तभी आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस आपको इस फील्ड में काफी ज्यादा देखने पड़ेंगे। पीपल आर गोइंग टू टेक यू फॉर ग्रांटेड और इधर उधर की बातों पे ज्यादा यकीन करेंगे। इधर उधर की बातें उन्होंने सुनी होंगी, जो मिथ उन्होंने सुने होंगे लोगों से, वो आपके सामने लाकर पेश करेंगे और फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, लोग मुझे ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं ना, जिसके बाद मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, लोगों को क्या है, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। तो इस चीज ऐसे चैलेंजेस आपको काफी देखने पड़ेंगे। देसी पीपल आर गोइंग टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो अपने टोटके आपके सामने पेश करेंगे। ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। यू आर रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, देन गो फॉर दिस प्रोफेशन, अदरवाइज कोई और चूज करें, ज्यादा बेटर है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से किस बेस पे इस फील्ड को चूज करना है और किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़ेंगे और आपका क्या माइंड सेट होना चाहिए इस फील्ड में प्रोसीड करने के लिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट सेक्शन में मुझसे अपने थॉट्स शेयर करें कि आप लिए इस फील्ड को चूज करना चाह रहे हैं, क्या मोटिव है, और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं अभी तक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क अवे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।